hello friends welcome back once again to our youtube channel incredible abhishek so in this video we are going to see the review of only is book or only is notes whatever you can say uh, basically we got uh, numerous of queries regarding this only is books and notes that's why we are making this video in this we will be giving you details of that what all you are going to get in only is complete uh, study material

जो तो आपको टोटल यहाँ पर बुकलेट्स मिलती हैं वो मिलेंगे ये सारे यानी कि आपको टोटल मिलते हैं ट्वेंटी वन बुकलेट्स हाउ मेनी बुकलेट्स ट्वेंटी वन बुकलेट्स तो हम वन बाय वन देखेंगे चीज़ों को उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं कि जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट इन नोट्स को डाउनलोड करना है और पी को और उसके बाद प्रिंट लेना होगा तो उसके लिए वो टेलीग्राम पर जाकर एस आई एस और एस आई एस वन ये दोनों में से कोई भी पर जाकर एस आई एस एस आई एस वन दोनों में से किसी पर भी जाकर वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके अलावा जल्द ही आप लोग के लिए फ्री कोर्सेस हमारे ही चैनल पर अवेलेबल कराने का हम सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले हम पूरे डायमेंशनस को देखेंगे वी आर गोइंग टू सी ऑल एंड एवरी डायमेंशन ऑफ दैट सो so, सबसे पहले तो हमारे सामने सवाल उठता है नोट्स का ठीक है वाई डू वी रिक्वायर नोट्स तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नोट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है क्यों होती है उसके बाद फिर हम वन बाई वन देखेंगे कि इसका क्या रिव्यू रहने वाला है देखिए इसको तीन चार पार्ट में हम देखेंगे इस वीडियो को पहले हम नोट्स के बारे में सारा कुछ जान लेंगे कि नोट्स का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ आता है किन किन जगहों पर आता है वो सारे जो डायमेंशनस को हम कवर करेंगे फिर उसके बाद हम कवर करेंगे एक ब्रॉड ओवरव्यू देखेंगे कि ओनली आई के नोट्स का क्या ब्रॉड ओवरव्यू है उसके बाद हम वन बाय वन करके एक एक करके बातें भी करेंगे उससे तो पूरा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है इस वीडियो के बाद आपको ओनली आई नोट्स से रिलेटेड सारे जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं नोट्स के ऊपर तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है नोट्स के लिए कि आपको पता होगा कि यूपीएससी का सिलेबस है ठीक है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और अगर हम सिलेबस में देखें तो दे आर आर सर्टन पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन अगर हम ब्रॉड सब्जेक्ट्स को छोड़ दें इफ़ वी लीव दी ब्रॉड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकनॉमिक्स दे आर आर सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक सोसाइटी लाइक गवर्नेंस ओके इंटरनल सिक्योरिटी तो वहाँ पर क्या है ना बहुत सारे जो दिए हुए हैं ये जैसे सोशल जस्टिस में आपका पोवर्टी दिया हुआ है हंगर दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट तो ये सारे जो होते हैं ना वो सारे के आपके पास नोट्स होने चाहिए यानी कि हर वो टॉपिक जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसका आपके पास एक पहले से नोट्स रेडी होना चाहिए वन टू थ्रू टू या थ्री पेजेस का बिकॉज न्यूमरस ऑफ टाइम्स यू पी एस में जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं अब फॉर एग्जाम्पल देखिए होता क्या है कि जब सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो इसका कोई कॉन्क्रीट बुक नहीं है ठीक है बुक्स आपको मिलते हैं हिस्ट्री के पॉलिटिक के ये सारे के आपको बुकलेट मिलेंगे बट बहुत सारे बुक्स ऐसे अवेलेबल है गवर्नेंस के भी हैं बट वो एक कॉन्क्रीट बुक नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है सिविल सर्विसेज के लिए तो उस सेंस में फिर यहाँ पर नोट्स का रोल आ जाता है सेकंड बात होता क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बुक्स हैं जो आप मार्केट में अवेलेबल हैं कुछ अगर को छोड़ दें तो मैक्सिमम बुकलेट ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है यानी कि वो बुक आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन बुक को पढ़ना नहीं चाहिए बट उन बुक से आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही लेना है क्योंकि वो बुक पूरी तरह से यू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में नहीं है लेकिन नोट्स में क्या होता है वो पूरी तरह से ही उसके अकॉर्डिंग होता है तो क्या होता है कि अगर कोई भी सेगमेंट जो उसमें आपको नहीं मिला अच्छा वो आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं यानी कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट आर नॉट बिंग कवर्ड इन सर्टेन स्टैंडर्ड मटेरियल्स और इफ़ यू आर रेफरिंग एनी ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल सो देर आर सर्टन टॉपिकॉट बीन कवर्ड इन टू दैट सो दो टॉपिक यू कैन कवर फ्रॉम दी नोट्स फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल let's say you are reading Lakshmikant all of them are reading Lakshmikant so in Lakshmikant pre portion is almost come uh, almost you will cover it out uh, almost 80 percent or 70 percent because um, in last two to three years the relevance of Lakshmikant is decreasing in pre also but yes if you will see the UPSC questions of GS2 of the polity the questions are being from the uh, current topics means if you are thoroughly reading the newspaper you are focusing on the editorial if you are picking up the themes right then you will be in a position to write the questions answer very properly but what is important is that you have to डेवलॉप दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जिन पर लगातार क्वेश्चनस आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइनिंग द रूल ऑफ़ पार्लियामेंट तो ये थीम को आपको पकड़ना पड़ेगा अब डिक्लाइनिंग रूल ऑफ़ पार्लियामेंट पर उतना आपको लक्ष्मीकांत में कंटेंट नहीं मिलेगा बट अगर आप कोई नोट्स को प्रीफ़र कर रहे हैं तो वहाँ से आपने चीज़ों को जॉर्डाउन कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटोरियल किसी चीज़ पर आता है एंटी डिफेक्शन जो है उससे रिलेटेड आता है मान लेते टेंथ शेड्यूल पे है ट एंटी डिफेक्शन लॉ पर आता है कि उसका रेलिवेंस आज के दिन में डिक्रीज़ हो रहा है उसका रेलिवेंस तो आपको इस पर एडिटोरियल आ गया तो कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे उसके अलावा जो नोट्स में है उससे थोड़े बहुत चीज़ें आपने क्या कर लिया ऑन कर लिया क्या क्या प्रोविजंस हैं ये सारे तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे उसके अलावा जो थीम पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आप नोट से थोड़ा जोड़ो यानी कि आप ये समझें इस चीज़ को कि अगर हम किसी भी नोट्स की बात कर रहे हैं तो एन फर्स्ट आएगा आपको बेस बनाने के लिए एन के बाद सेकेंड आपका स्टैंडर्ड मटेरियल आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल के बाद जो है वो आपका नोट्स का रोल आ जाता है ठीक है उसके बाद आपका नोट्स का रोल रोल आ जाता है है क्या करने के 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 लिए के लिए के लिए लिए वैल्यू एडिशन और सर्टेन सर्टेन सब्जेक्ट्स टॉपिक्स इसका बहुत बड़ा होता नोट्स का फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी ऑल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए द बुक दैट इज अशोक कुमार सिंह चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी दिस इज अ वेरी गुड बुक बट दिस बुक ऑल्सो हैज नॉट बिन रिटन पर्टिकुलरली अबाउट द सिविल सर्विसेज ऑल्दो यू गेट ब्यूटीफुल कंटेंट इन टू दैट बट स्टिल सो द रोल ऑफ द नोट्स कम्स इन टू प्ले तो ये पहले आप समझ चुके होंगे कि नोट्स का कहाँ रोल होता है कैसा रोल होता है किस तरह से आपको नोट्स को प्रेफर करना चाहिए ये सारी चीज़ है अब बात आ जाती है ओनली आई ए एस पे ठीक है तो देखिए एक पहले ब्रॉड हम देख लेते हैं कि ओनली आई ए एस का ब्रॉड क्या है अगर आप इनके नोट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको ब्रॉडली क्या है देखिए सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिलती है ट्वेंटी वन बुकलेट्स में कैसे कैसे क्या है वो सारे हम बात करेंगे सबसे अच्छा पहला बात तो है कि ये एक अल्टरनेटिव के रूप में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अल्टरनेटिव ऑफ वॉट अल्टरनेटिव ऑफ सम ऑफ़ दी स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफरेंस मटेरियल सम ऑफ दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नोट्स फॉर एग्जाम्पल विजन आई एस वाजी यू कैन सी दिस एज एन अल्टरनेटिव वाई आई एम सेंग सो बिकॉज इफ यू विल सी दे हैव यूज डाइग्राम्स दे हैव डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स Mind maps into their notes, and their notes are very crisp. You will see that certain booklets, for example, the uh, the Polity one that is 550 pages, the Economics one 441 41 440 pages, are being there, or the History one 300 plus pages. But rest of the material, which of the society, for example, Disaster Management 80, 70 pages are being there. So they are covering their notes in a very crisp manner. That is very important. ओके सो देर नोट्स आर वेरी मच क्रिस्प तो क्रिस्प होने की वजह से ये क्या है कि आपको जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा और मेंस के टाइम पे भी क्या होता है कि रिवाइज करने के लिए आपको एक कॉम्पैक्ट मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो इस टाइप के नोट्स जो हैं वो आपके लिए मदद करते हैं एंड सेकेंड वन मोर थिंग दैट आई लेफ्ट इन द नोट्स दैट नोट्स का रेलिवेंस वहाँ भी आ जाता है जैसे कि आप दो से तीन स्टैंडर्ड मटीरियल्स नहीं पढ़ सकते बट अगर आपके पास नोट्स हैं जहाँ पर आपको दो से तीन स्टैंडर्ड मटीरियल से चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह दिया गया है तो वो आप ईज़िल रेफर कर सकते हैं बिकॉज़ यू हैव लिमिटेड टाइम और आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में चीज़ों को कम्प्लीट करना होता है तो उस सेंस में फिर आपका नोट्स का रेलिवेंस आ जाता है इसके बाद अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा कि आपको डायग्राम्स चार्ट्स, माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा नोट्स क्रिस्प है एक जो मुझे थोड़ा सा इस मटेरियल में लगा दिक्कत कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दी अब ये मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन है कि डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स वहाँ पर मुझे एक चीज़ लगा कि कुछ कुछ सेगमेंट्स में कुछ कुछ सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर एग्जांपल इकनॉमिक सेगमेंट की बात कर सकते हैं या बहुत जगह वो लोगों ने माइंड मैप्स का यूज़ किया है वो वो स्टूडेंट तो अच्छे से समझ लेगा जिसने एन सी थोड़ी पकड़ बनाई है थोड़ा सा एक बार सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ की है बट जो बिगनर है जो पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वहाँ पर उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इस तरह के को समझने में तो यहाँ पर मैं के कौन कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत जगह वहाँ पे उन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया है बहुत जगह जो लाइंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन ही किया स्टेटमेंट्स को आ, सिर्फ शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं वहाँ पर ख़त्म कर दिया है तो ठीक है क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक कौन पार्ट हो सकता है ओके अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं देखिए सबसे पहले आपके सामने जी एस वन आता है हम फटाफट डिस्कस फट करेंगे क्या क्या आपको मिलता है तो जी एस वन में हम जानते हैं कि हिस्ट्री की कॉम्पोनेंट हमारे सामने आता है तो हिस्ट्री की आपको सिक्स बुकलेट्स मिलती हैं सिक्स बुकलेट यानी कि आपको एनशेंट मिलेगा एंशेंट uh, मिलने के बाद मिडाइवल मिलता है मॉडर्न मिलता है मॉडर्न के बाद आपके सामने आर्ट एंड कल्चर पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री ये छह बुकलेट्स आपको मिलते हैं हिस्ट्री के सिक्स बुकलेट्स ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ ये देखने के लिए मिलती है कि उन्होंने फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया पिक्चर्स का यूज़ किया फॉर एग्जांपल आपको सारे गवर्नर जनरल से ये सारे के फ़ोटोज़ पिक्चर मिले हैं ये सारे सही है बट थोड़ा सा क्या है ना कि फ़ोटो का साइज़ भी बहुत बड़ा है तो उतना मेरे हिसाब से ये बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं थी छोटा में भी रखने से काम चल जाता है बट ठीक है थोड़ा सा जो आपको नोट्स है वो अच्छा मिलता है मतलब कलरफुल मिलता है थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है माइंड मैप स्लो चार्ट उसमें यूज़ करके डिफरेंट जो चार्ट्स हैं वो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं तो आपको सिक्स बुकलेट्स मिलते हैं हिस्ट्री के फिर हम जोग्राफी में आ जाते हैं तो जोग्राफी में हमको फोर बुकलेट्स देखने के लिए मिलते हैं कौन कौन से फ़िजिकल जोग्राफ़ी का एक बुकलेट मिलता है इंडियन जोग्राफ़ी का एक बुकलेट मिलता है इसके अलावा आपको ह्यूमन जोग्राफ़ी का एक बुकलेट मिलता है और आपको एक वर्ल्ड जोग्राफी का एक बुकलेट मिलता है वर्ल्ड जोग्राफी का बुकलेट बहुत अच्छा है अगर आप जैसे प्री के लिए या फिर किसी स्टेट पी से एग्ज़ाम के लिए बिकॉज वहाँ पर सेपरेटली सारे कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया गया है पहले हमको मैथ भी दिया गया है फिर कौन कौन से रिवर्स हैं कौन कौन से माउंटेन्स हैं वहाँ पर वो सारा को डिस्कस किया गया है दैट ऑल आर बींग डिस्कस्सड देयर सो वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जियोग्राफी के बाद हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का आपको एक बुकलेट देखने के लिए मिलता है ठीक है तो आपको टोटल इलेवन बुकलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जी वन के लिए अब हम आ जाते हैं तो पॉलिटी का आपको एक बुकलेट देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा बल्कि है पॉलिटी का बुकलेट फाइव फिफ्टी पेजेस का है बट उसमें आपको थोड़ा सा मेंस के लिए जो फॉर्डन मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वट द फॉर्डन मटेरियल दैट इज बिंग रिक्वायर्ड फॉर द मींस एग्ज़ामिनेशन आर बिंग दे इन द पॉलिटी बुकलेट तो आपको वो भी देखने के लिए मिलता है इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको एक गवर्नेंस का बुकलेट मिलता है दिस बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैगजीन दिस नोट्स और द बुक्स आर दैट गवर्नेंस और सोसाइटी का बुक बहुत ही अच्छा है दे आर रियली ऑसम यू कैन रेफर दैट इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी ऑफ द मटीरियल डेफिनेटली यू नीड नॉट टू चेंज इट बट दे आर गुड आफ्टर दैट सोशल जस्टिस का हमें कोई बुकलेट देखने के लिए नहीं मिला है तो आई थिंक दे हैव कवर्ड इन सोसाइटी ओनली आई हैव टू चेक इट आउट उसके बाद आपको आई आर का एक बुकलेट मिलता है आई आर का बुकलेट भी बहुत ही अच्छा है अपने आप में इसके बाद अगर आई आर के बाद अगर हम देखते हैं तो आपको आपका जी एस थ्री आ जाता है तो जी एस थ्री में आपको इंडियन इकनॉमी की एक बुकलेट मिलती है फोर फोर्टी वन पेजेस की है थोड़ी सी बल्कि है थोड़ा सा हार्ड है रीज़न है थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट और माइंड माप्स का इसमें इस्तेमाल कर दिया है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है जोग्राफ़ी में भी मैंने देखा बहुत जगहों पर वो लोगों ने फ्लो फ्लोचार्ट्स माइंड मैप का यूज़ किया है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो एक है उसके अलावा हम बात करते हैं इकनॉमिक्स के बाद आपको एक सिक्योरिटी की बुकलेट मिलती है इन्वामेंट एंड इकोलॉजी की एक बुकलेट आपको मिल जाती है साइंस एंड टेक की एक बुकलेट मिल जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बुकलेट मिल जाती है उसके बाद एथिक्स की भी एक बुकलेट आपको मिलती है इस तरह से करके आपको ट्वेंटी बुकलेट्स टोटल प्रोवाइड किए जाते हैं ठीक है तो ऑन एंड फाइनल नोट मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्सोल्यूटली ओनली आई एस जो बुक है वो अपने आप में बेस्ट हैं मतलब कह सकते हैं कि अच्छा है, एक अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन के रूप में दिखता है uh, किसी भी आप मैगजीन से और किसी भी नोट से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा इन रिचिंग कंटेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है इन सभी में थोड़े बहुत कॉन्स हैं वो मैं कह सकता हूँ बट बाकी सभी सही हैं आप देखिए एक ऐसा है कि अगर मान लेते हैं आप कोई भी नोट्स पहले से प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्लेमर यही है कि आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डेफ़िनेटली और मैं आपको हर वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आपको बेसिकली एन और स्टैंडर्ड मटेरियल इन पर फोकस करने की ज़रूरत है जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बुक लिस्ट वाले वीडियो और ये सारे में आपको बताया एक हम लगा एक वेबिनार भी हम कंडक्ट करने वाले हैं सेवन टू सिक्स एपिसोड्स के जहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रैटजी जो है डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कुछ सब्जेक्ट जैसे हो जाते हैं सोसाइटी है गवर्नेंस है सोशल जस्टिस है फिर आपका पेपर थ्री में आ जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट है ये सारे जो सेगमेंट्स हैं ना उनके लिए आपको थोड़ी नोट्स की जरूरत पड़ जाते हैं इथिक्स के लिए भी पड़ जाता है बिकॉज इथिक्स के लिए बुक्स हैं बट वो उतने ज़्यादा बेटर नहीं हैं तो उस सेगमेंट में आपके सामने नोट्स का रेलिवेंस आ जाता है तो वहां पर अगर आप नोट्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूजफुल होगा अदर देन दैट आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है पूरा पैकेज के साथ जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है बट हाँ डेफिनेटली पी डी एफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसके अलावा ओनली आई एस की उड़ान की मैगजीन आती है जो कि प्री के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है मीन्स इट इज़ अ क्विक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन बुकलेट सीरीज़ है वो उसमें चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर की गई हैं और वो क्रिस्प है मटेरियल वो प्री के लिए है वो भी हम लोगों ने इंग्लिश हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड करवा दिया है आपको पी डी फॉर्मेट में तो आप एस आई एस पे जाकर उन सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है कोई भी क्वेरीज है आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें लगातार अपने दोस्तों के साथ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे लाइक करेंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अ नाइस डे